नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टमार्टम पर कि पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम करना क्यों जरूरी होता है और पोस्टमार्टम रात में क्यों नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग अक्सर पूछते हैं कि पोस्टमार्टम रात में क्यों नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वह मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो या वह व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया या किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस सूचना पर पहुंचती है। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पहले पुलिस जैसे ही उसको अपने कब्जे में लेती है उस शव को, तो उसके बाद वो पंचनामा तैयार करती है जिसमें है, और पंचनामा बनने के बाद पुलिस उस शव को अस्पताल ले जाती है और अस्पताल ले जाने के बाद उसका परीक्षण होता है और जाना जाता है कि आखिर कौन सी वजह थी जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यानी मृत्यु के कारण का पता लगाना कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम होता है। इसे ऑटोप्सी भी कहते हैं और शव परीक्षण भी कहते हैं। और ये जो शव परीक्षण है, पोस्टमार्टम है, ये दो पर्पज से किया जाता है। पहला पर्पज ये है आमतौर पे कि व्यक्ति के मृत्यु का पता लगाना कि किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है। दूसरा वजह यह है कि जो मृतक व्यक्ति है उसके शरीर पर किसी बीमारी का क्या प्रभाव है और उस बीमारी का उसके शरीर पर किस तरह से काम कर रही थी, उसकी पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए ये जो पोस्टमार्टम है, ये इसकी कार्रवाई की जाती है, शव परीक्षण किया जाता है। मित्रों, जो पोस्टमार्टम होता है, ये पोस्टमार्टम मृत्यु के 6 घंटे से लेकर 10 घंटे के अंदर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद उस मृतक व्यक्ति की बॉडी में बदलाव होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी ऐंठने लगती है और ऐसी दशा में यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके मृत्यु का कारण क्या था। क्या आप जानते हैं कि जब शव विच्छेदन होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें होता क्या है? तो जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें दो तरह की जाँच होती है। पहली जाँच उसके बॉडी के ऊपर की होती है, बाहरी अंगों की होती है, दूसरे उसके अंदर के अंगों की होती है, आंतरिक अंगों की होती है। तो जो बाहरी अंग होते हैं उसको जांच तो हो जाती है, लेकिन जब अंदर का होता है तो सिर से लेकर पेट तक एक चीरा लगाया जाता है और उसके बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो गुर्दा है, जो दिल है, जो किडनी है, तमाम चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर के ये जो पार्ट्स हैं, इसको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद इसकी पूरी जाँच होती है और जाँच करने के बाद फिर उसी स्थान पर उसको रख कर फिर सील दिया जाता है और उसके बाद उस बॉडी को जैसी व्यवस्था है, जिस व्यक्ति की बॉडी है, जिस धर्म के हिसाब से है, उस हिसाब से लोग ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके परिजनों को सौंप दी जाती है। तो एक सवाल लोगों के मन में अक्सर रहते हैं कि जो पोस्टमार्टम होता है ये रात में क्यों नहीं होता, दिन में ही क्यों होता है? तो उसकी एक खास वजह ये है कि पोस्टमार्टम जब रात में होगा तो जो प्रकाश होगा जब उस बॉडी पर पड़ेगा, उसकी जो लाल रंग की घाव होगी उस प्रकाश की वजह से बैंगनी दिखाई देगी, जिसकी वजह से बुरा असर डालेगी उस बॉडी पर, उस प्रकाश जो है बुरा असर डालेगा, जिससे सही जानकारी जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो पोस्टमार्टम होता है ये डे लाइट में किया जाता है, रात के उजाले में नहीं किया जाता है। और इसका धार्मिक वजह भी है, धार्मिक वजह यह है कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जहां रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए जो शव का परीक्षण होता है ये दिन में किया जाता है। दिन में करना इसलिए ये भी है कि भाई दिन में पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद उस शव को जो भी अंतिम संस्कार करने की जिसकी जिस धर्म की जैसी पद्धति है उस हिसाब से लोग कर लेंगे, क्योंकि शव में बहुत सारे चीड़ फाड़ हुए रहते हैं, इसलिए उसको तुरंत
उसका अंतिम संस्कार करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए दिन के उजाले में होता है और दिन में ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके परिजनों को उस बॉडी को सौंप दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेशन में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।